तो गाइस मैंने अभी कल ही वीडियो शेयर की थी कि अगर आप टेबल 8 की रिको करते हो तो उसके लिए आपको टेबल 8 ए की बाइफरकेशन चाहिए होती है, तभी आप अपनी परचेज रिपोर्ट 2A 8A को कंपेयर कर पाओगे और 8D में जो डिफरेंस आएगा उसे प्रूव कर पाओगे। तो उसके लिए गाइस आपको कहां जाना था, सर्विस की टैब में जाकर रिटर्न में जाकर एनुअल रिटर्न में क्लिक करना था। फिर यहां पर आपको टेबल 4 के ऊपर एक टेबल मिल रहा था टेबल 8A, अभी इन्होंने उसको रिमूव कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी थी, क्योंकि वो 1920 का भी डाटा कैप्चर कर रहा था, बट स्टिल वो काफी हेल्प कर रहा था हमारी रिको करने में और टाइमली कंप्लीट करने में, बिकॉज 30 सितंबर ही हमारी ड्यू डेट है, हमें फाइलिंग करनी है। बट अभी इन्होंने वो टैब को रिमूव कर दिया है तो डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी कि टेबल 6, 7, 8 और 8D की रिको को कैसे प्रूव करना है, तो वो वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगा। और अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी जेन्युइन और यूजफुल प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।